इस वीडियो को देखने के बाद आप सही और सुरक्षित तरीके से कूड़ा फेंकने के फायदे, कूड़ा फेंकने की योजना बनाना और सही और सुरक्षित तरीके से कूड़े का निपटारा करना जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बिल्डिंग की सफाई और स्वच्छता, वहाँ काम करने वाले स्टाफ, ग्राहकों, विजिटर्स और आसपास के लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सही तरीके से कूड़ा फेंकना और हाउसकीपिंग के सही तरीके बीमारियों की रोकथाम की नींव है। गलत तरीके से कूड़ा फेंकना लोगों की सेहत के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। स्टाफ के भी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे कूड़े को इस तरह से फेंकें जिससे ग्राहकों, विजिटर्स और दूसरे सहकर्मियों को कम से कम खतरा हो। कूड़े को अलग करने का मतलब है सूखे कूड़े और गीले कूड़े को अलग करना, ताकि सूखे कूड़े को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके और गीले कूड़े को खाद बनाया जा सके। कूड़े को अलग करने का मतलब है उसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इन तीन तरह के मटेरियल में बांटने की प्रक्रिया। कैसे, आओ देखें। पहला प्रकार है अजैविक कूड़ा, जैसे कि सूखा कूड़ा या रिसाइकलेबल कूड़ा। दूसरा है जैविक कूड़ा, जैसे कि गीला कूड़ा या नॉन रिसाइकलेबल कूड़ा। तीसरा प्रकार है हानिकारक कूड़ा, जैसे कि ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा, विषैला कूड़ा या बायोमेडिकल कूड़ा। जिस जगह कूड़ा होता है कूड़े के कंटेनर्स को भी उसी जगह रखना चाहिए। कूड़े के कंटेनर्स रोज या आवश्यकता अनुसार खाली करने चाहिए। कूड़े के कंटेनर्स अपने आकार के 75% से ज्यादा भरे हुए नहीं होने चाहिए। सभी कंटेनर्स पर साफ तरीके से कलर कोडिंग, लेबल और निशान होने चाहिए। रंग को पहचाने और सही सही रंग कोड याद रखें। रिसाइकलेबल कूड़े के लिए कलर कोडिंग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है, इसलिए निशान और लेबल को हमेशा देखें और पढ़ें। पीला बैग संक्रामक कूड़े के लिए है, जैसे कि बैंडेज, पट्टियां, रुई या दूसरी ऐसी कोई चीज जो शरीर के फ्लूइड से संपर्क में आई हो। लाल बैग प्लास्टिक वेस्ट के लिए है, जैसे कैथेटर्स, इंजेक्शन, सिरिंज, ट्यूबिंग, बॉटल। नीला बैग हर तरह की कांच की बोतल, टूटा कांच, तारीख खत्म वाली या फेंकी हुई दवाइयों के लिए है। काला बैग बिना सिरिंज की सुइयां, ब्लेड, नुकीली चीजें और मेटल की सारी चीजों के लिए है। चलिए अब देखते हैं कि कचरे के डिब्बे को कैसे साफ करना चाहिए। कूड़े के डिब्बे को उल्टा करें और जितना हो सके कचरा निकालें। कूड़े के डिब्बे के अंदर रह गए कचरे को झाड़ू की मदद से साफ करें। रोगाणु नाशक लिक्विड और पानी से कूड़े के डिब्बे को धोएं। अगर डिब्बा बड़ा है तो इसे निर्धारित जगह पर ले जाकर पानी के पाइप और लंबे हैंडल वाले स्क्रब ब्रश से साफ करें। पानी के पाइप से धोएं और कूड़े के डिब्बे को उल्टा करें ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए। कूड़े के डिब्बे को सीधा करें और धूप में सुखाने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद इसके अंदर नई लाइनिंग लगाएं। आइए दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सफाई के समय कुछ बातों का हमेशा खास ध्यान रखें। अथॉरिटी के नियमों के अनुसार ही कूड़े को सही, सुरक्षित और लेबल लगे हुए कंटेनर्स में अलग करें। निर्देशों के अनुसार कूड़े को व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करें। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए कूड़े को भंडारण तक ले जाएं। कूड़े के निपटारे के दौरान सही व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पहने। कूड़े को इकट्ठा करने और स्टोरेज से संबंधित समस्याओं को पहचाने और रिपोर्ट करें। बधाई हो दोस्तों, आज आपने एक अच्छे हाउसकीपिंग अटेंडेंट बनने के सफर में एक और कदम बढ़ाया है। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद।